नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ आपको अपने इसी YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, उसके हम फुल फॉर्म को भी देखेंगे, उसके हेडक्वार्टर को देखेंगे कि कहाँ पे है, और इसको हम एक फ़नी तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। UN, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन है, इसको कोई भूल भी नहीं पाएगा। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ की बात करें, तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये भी न्यूयॉर्क में है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स को याद करेंगे। जब चिल्ड्रन पैदा होता है तो वो न्यू होता है, यानी कि न्यूयॉर्क हो गया। चिल्ड्रन जब पैदा होता है तो न्यू होता है, उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है। और फंड बोले तो, या पैसा बोले तो, किसके पास ज़्यादा है? USA के पास ज़्यादा है। या आप इसको तो पहले ही याद कर लिए हैं, न्यूयॉर्क यानी कि चिल्ड्रेन जो पैदा लेता है वो न्यू रहता है, तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है? USA में है, तो आपको ये याद हो जाएगा। यूनिसेफ। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जिनेवा को कैसे याद करेंगे? देखिए, ट्रेड के लिए हमको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, यानी कि मजदूर चाहिए। ट्रेड यानी कि व्यापार, जिसका हिंदी होता है। तो व्यापार के लिए हमें मजदूर चाहिए, तो यानी कि जन चाहिए, जिसको हिंदी में जन बोलते हैं। जन मतलब लोग। तो इससे क्या हो जाएगा? जिनेवा याद हो जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिनेवा इसका भी मुख्यालय है। अब देखिए, जो जन होंगे उनका जो हेल्थ है वो अच्छा होगा, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे यानी व्यापार कर पाएंगे। अगर मजदूर ही बीमार रहेंगे तो कैसे हम व्यापार करेंगे? तो इससे याद रखेंगे कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहाँ पे है? जनेवा में है। अब देखिए, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। देखिए, इसका भी मुख्यालय जिनेवा है। याद करने का तरीका फिर से हम उसी चीज़ से रिलेट करेंगे कि देखिए, जन लोग जब काम करते हैं तो वो मौसम देख के काम करते हैं। खेत में बुआई करना है, खेत की कुड़ाई करना है, तो इस तरह से उनको मौसम पे डिपेंड रहना पड़ता है। आपको पता है कि भारतीय किसान मौसम पे डिपेंड करते हैं, यानी कि यहाँ के जन मौसम पे डिपेंड करते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल की बात करें, मेट्रोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मौसम संबंधित विज्ञान। तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा है। अगला बात करते हैं WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी जिनेवा ही है। देखिए, मेन प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी देश का मेन प्रॉपर्टी वहाँ के जन है। ठीक है, तो इसका भी मुख्यालय क्या हो गया? जिनेवा हो गया। WFP, इसका मुख्यालय की बात करें यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय रोम है। अगर हम बात करें तरीके की कि कैसे इसको याद किया जाए, तो देखिए, फूड के लिए कई सारे लोग रोते हैं, तो इससे हम याद करेंगे कि रोम, रोम कहाँ पे है? इटली में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका मुख्यालय बर्न है। पोस्टल बोले तो जो आप पत्र वगैरह भेजते हैं तो उसको कहते हैं पोस्टल। तो देखिए, पोस्टल यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, BERN होगा, BERN। तो जो वो पोस्टल होता है उसको बर्न भी कर सकते हैं, आप जला भी सकते हैं, तो इससे हम याद करेंगे कि वर्ल्ड सॉरी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बर्न है, स्विट्जरलैंड। अगर बात करते हैं UNU यानी कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की बात करें तो टोक्यो में है। ठीक है, ये थोड़ा अनयूजुअल है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे कि वर्ल्ड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? टोक्यो में, जो कि जापान में है। अगला बात करते हैं UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब बात आ गई फंड की, यानी कि पैसे की। पैसे की मैंने बताया था USA में। ठीक है, तो पॉपुलेशन यानी कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, और बच्चे से मैंने बताया था न्यू बेबी यानी कि न्यूयॉर्क, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड न्यूयॉर्क। ठीक है, याद हो जाएगा। UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। अब देखिए, ड्रग्स कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में बनाता है। तो फैक्ट्री में कैसे बनेगा? अगर आपको ये वाला जो 12वां नंबर पे है उससे हम आपको याद कराते हैं, यूनाइटेड नेशन यानी कि UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वियना में है। यानी कि देखिए, आप अभी आपसे रिलेट करके हम आपको ये चीज़ें याद कराते हैं। वियना, या आप इसको इस तरह से राइमिंग बनाइए, बिया।
तो किसी भी बच्चे का ब्याह तब तक नहीं होता जब तक जॉब नहीं लगता है। तो बच्चे के पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि वो इंडस्ट्री लगाए, यानी कि खुद का एक इंडस्ट्री लगाए तो उसका ब्याह हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री की बात आए तो ब्याना, यानी कि ब्याना या ब्याह एक तरीके से। अब जब इंडस्ट्री लगाएगा तो किस चीज़ का लगाएगा, वो उसमें ड्रग्स उत्पन्न करेगा। ड्रग्स बोले तो इन निगेटिव सेंस में आप इसको मत लीजिए, क्योंकि ड्रग्स मतलब दवाई भी होती है। तो ड्रग्स हो या इंडस्ट्री में क्राइम भी होती है, क्योंकि आप गलत तरीके से भी ड्रग्स बनाते हैं तो वहाँ पे क्राइम होती है। तो इन दोनों को हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बच्चे की शादी नहीं होती है, यानी कि ब्याह नहीं होती है तो वो इंडस्ट्री लगाता है, जॉब नहीं होती है तो, और इंडस्ट्री में क्या उत्पन्न करता है, वो ड्रग्स यानी कि दवाई उत्पन्न करता है, और इलीगल तरीके से वो क्राइम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अगला देखते हैं 13वां, UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। अब देखिए, रिफ्यूजी कौन लोग होते हैं, यानी कि जो लोग सताए होते हैं दूसरे देश में चले जाते हैं उसको रिफ्यूजी कहते हैं। तो रिफ्यूजी जनरली छोटे मोटे लोग होते हैं, यानी कि आम जन होते हैं, यानी कि जेनेवा फिर से हम याद कर लेंगे, रिफ्यूजी छोटे मोटे लोग होते हैं, आम जन होते हैं, तो ये इसका मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये आपके केन्या के नैरोबी में है, तो इसको आप याद कर लेंगे, इसके लिए कोई ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं, UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। अगर मैं इसको ट्रिक बनाऊँ तो देख लेता हूँ, थोड़ा देर सोचने के बाद मैं इसको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको इस तरह से याद कराते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई फेस्टिवल हो गया तो उसमें भाईचारे की, उसमें समाज में क्या होता है कि भाईचारा बढ़ता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो भाईचारा बढ़ता है। और हमारे संविधान में भाईचारा का जो मूल भावना है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इससे आपको दो जी के याद हो जाएगा, कल्चरल यानी कि भाईचारा का बढ़ावा, और भाईचारा का बढ़ावा कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, फ्रांस से लिया गया है। तो कल्चरल अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क है। अब देखिए, डेवलपमेंट यानी कि आप कह सकते हैं US है तो वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपमेंट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला देखते हैं, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बात आ गई फिर से ट्रेड, यानी कि ट्रेड के लिए कौन लोग चाहिए, जन लोग चाहिए, जन बोले तो जेनेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, अब देखिए टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, यानी कि अब मजदूर को बुलाएंगे तो फ़ोन कर देंगे कि भाई लोग आ जाओ, यानी कि फिर से जन की बात हो रही है कि यहाँ पे काम है, तो इस तरह से हम इसको भी याद कर लेंगे। देखिए, ज़्यादातर मुख्यालय जेनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर है जेनेवा, ज़्यादातर मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर मुख्यालय वहाँ पर ही है, तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, आपको याद होगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर से हम बात कर लेते हैं फंड की, यानी कि USA में ही होगा, लेकिन USA में न्यूयॉर्क में नहीं होके कहाँ पे हो रहा है ये मॉनेटरी फंड, कहाँ पे है, वाशिंगटन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए मेरीटाइम यानी कि बोले तो मेरीटाइम बोले तो ये जो नाव वगैरह चलते हैं या आपके जो जहाज़ चलते हैं पानी वाला उसको कहते हैं मेरीटाइम, यानी कि जलीय जो जहाज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होते थे कि लंदन यानी कि इंग्लैंड बोले या UK बोले, या थोड़ा सा डिफरेंस है, या UK में थोड़ा और भी कंट्री आ जाते हैं तो हम जनरली इंग्लैंड ही समझ लेते हैं, तो लंदन इसका मुख्यालय है, याद करने का तरीका, क्योंकि वो लोग पानी के जहाज़ से दूसरे देश जाते थे और वहाँ पर कब्जा कर लेते थे, तो इससे हम इसको याद कर लेंगे, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पानी में सबसे पहले वही लोग चलते थे, एक दूसरे देश जाते थे, एक जगह से दूसरे देश जाते थे, उसके बाद वहाँ पे कब्जा कर लेते थे, तो इससे हम इसको याद कर लेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेबर फिर से आ गया, जेन यानी कि जन यानी कि जनेवा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो 21 आपको ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आसानी से आज याद हो गए होंगे, एक दो बार देखिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, याद हो जाएगा, पक्का आपके दिमाग में छप जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का आपको एकदम से ट्रिकी वे में याद कराने का जो भी तरीका होता है मेरा, मैं उसके जरिए आपको चीज़ें याद करा दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।